कोरोना महामारी के आने से जिस तरह लोगों में खौफ फैला था, लोग बीमारी से निजात पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे, तो वहीं ममता ने उसे बचने के लिए महिलाओं के कपड़े जैसे ब्लेजर, फ्रॉक, पीपी किट और सैनिटरी पैड जैसी चीज को लॉन्च किया, जिससे महिलाओं को पूरी तरह सुरक्षा मिल सके और यह सामान पूरी तरीके से स्वच्छ और लाभदायक भी है। दे दीजिए। और ये ऑर्गेनिक फैब्रिक पे काम कर रहे हैं हम लोग, कि कपड़ा दूध, एलोवेरा, मिल्क, रोज, इनसे बना हुआ है। और इसको बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि फैब्रिक बायोडिग्रेडेबल हैं और जो सस्टेनेबल फैब्रिक बायोडिग्रेड जो आजकल की डिमांड है, जो मार्केट की नीड है, क्योंकि अदर फैब्रिक जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये बायो डिकम्पोज नहीं होते, जो हमारे लैंडफिल्स को बढ़ा रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये रीज़न है। और इस पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, जैसे भी सैनिटरी पैड्स के बारे में है, वो भी हम बायोडिग्रेडेबल डेवलप कर रहे हैं, एंड क्या बोलते हैं डिस्पोजेबल प्लेट्स, इन सब चीज़ों को भी हम डेवलप करना चाह रहे हैं इस कंपनी के अंदर, जिससे क्या बोलते हैं प्रॉपर इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें बनाकर हम इस पर वर्क करते हैं। आप एक महिला हैं और ये क्या महिलाओं के लिए ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं? अभी तो स्टार्टिंग में तो मैं महिला फीमेल थी, मैंने फीमेल्स के लिए स्टार्ट किया, बट आगे जाके हम किड्स, मेल, सभी के लिए लाना चाहेंगे। आज इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स लगा रही हैं आप? अभी हम लोग पूरा वेस्टर्न वेयर्स पे वर्क कर रहे हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट में ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज फीमेल जो वर्किंग है उनको कंटिन्यूसली 16 to 18 hours से गारमेंट्स पहनने पड़ते हैं, तो अगर फ्रेंडली होंगे, बॉडी फ्रेंडली होंगे, बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, तो उनके ज़्यादा बेनिफिट्स रहता है। अगर घर में भी हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहता है, बिकॉज वर्क अकॉर्डिंग।